एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर एक ही समय पर दो विमान आ गए। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों की जान पर बन गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें रनवे पर एक विमान उतर रहा है, वहीं उसके आगे दूसरा विमान उड़ान भरता दिख रहा है। दोनों विमानों का इस तरह टेक ऑफ और लैंडिंग करना बेहद खतरनाक नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो का विमान 5053 देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद रनवे 27 पर उतर रहा था, जबकि एयर इंडिया का विमान 657 तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पर इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट ने एक ही रनवे पर एक समय पर दो विमान आ गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक विमान रनवे पर लैंडिंग कर रहा है, वहीं उसके आगे दूसरा विमान भी उड़ान भर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इसका जमकर कमेंट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए रनवे पर तेजी से आगे बढ़ ही रही थी कि वहीं पीछे से इंडिगो की फ्लाइट लैंड कर रही है। हालांकि इंडिगो की फ्लाइट जब तक एयर इंडिया के विमान के करीब जाती है, वे उड़ान भर चुकी होती है। इस घटना के बाद इंडिगो का बयान भी सामने आया है। इंडिगो के बयान के मुताबिक इंदौर की फ्लाइट 6E6053 को मुंबई एयरपोर्ट पर ATC द्वारा लैंडिंग की मंजूरी दी गई थी। पायलट इन कमांड ने अप्रोच और लैंडिंग जारी रखी और ATC के निर्देशों का पालन किया। उसके बाद इंडिगो के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।